नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता दोरनाला, बाल रोग विशेषज्ञ वैद्य यज्ञेश्वर शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कुर्जा से बोल रही हूँ। मेरे साथ डॉक्टर ज्योत्सना ठाकुर, स्त्रीरोग प्रसूति विशेषज्ञ है। मैडम, इनसे आज हम ये जानेंगे कि फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके अधिक जानकारी के लिए आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के बिहाफ पे मैं क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मैम, हमारे ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए एक फैमिली प्लानिंग का एक पूरा अध्याय है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपके पास हैं, तो आप ये बताइए कि ये फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। फैमिली प्लानिंग का जहाँ तक विषय है, तो फैमिली प्लानिंग जो है वो ऐसे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, इस तरह के मेथड्स हैं जिनमें कि जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, चाहे वो टेम्प्रेरी मेथड्स हों चाहे वो परमानेंट मेथड्स हों, उनको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द फ्यूचर प्रेगनेंसी। और फॉर स्पेसिंग द बर्थ, हम स्पेस देना चाहते हैं दो बच्चों के बीच में, तो उसके लिए भी ये जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं मैम अभी कंट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं उनमें? कुछ टेम्प्रेरी मेथड्स हैं, कुछ परमानेंट मेथड्स हैं। टेम्प्रेरी मेथड्स में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे बैरियर मेथड्स, जिसमें कि जो है वो बैरियर रहेगा, जो कांटेक्ट है स्पर्म का वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए जो मेथड्स आते हैं वो है मेल के लिए, जैसे कॉन्डोम है, और जो गवर्नमेंट की सप्लाई है उसमें भी अवेलेबल रहते हैं कॉन्डोम। ये जस्ट लाइक अ पॉच होता है पॉलीयूरेथेन का बना हुआ, जिसको कि मेल जेनिटेलिया पे पुट ऑन किया जाता है, और ये भी प्रिवेंट करता है स्पर्म का ट्रांसफ़र इनटू द यूट्रस, उसको प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा जो है कुछ जो केमिकल्स आते हैं उसमें जेलीज होती हैं, क्रीम्स होती हैं, या फोम टेबलेट्स होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है, या फीमेल कॉन्डोम या फीमेल डायफ्राम या फीमेल कैप आती हैं, उनको जो है फीमेल जेनिटेलिया में जो है बिफोर इंटरकोर्स जो है वो अबाउट 5 मिनट्स पहले जो है उनको अप्लाई कर दिया जाता है, और फिर जो है वो एज अ स्पर्मिसिडल एक्ट करती हैं और स्पर्म को किल करती हैं, इस तरह से वो प्रिवेंट करते हैं। ये टेम्प्रेरी मेथड्स में आता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं कंट्रासेप्शन के। नेचुरल मेथड्स में है जैसे रिदम मेथड है, इसमें ये होगा कि हमें पेशेंट को एडवाइज़ करना पड़ेगा कि जो उसका फर्टाइल पीरियड है वो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फर्टाइल पीरियड वो अपना कैसे कैलकुलेट करेगी, तो इसके लिए हम पेशेंट को कह देते हैं कि वो जो फर्स्ट 6 to 12 months तक वो अपना रिकॉर्ड रखे अपने साइकिल्स का, कि उसके साइकिल कब आ रहा है, कितने डेज का आ रहा है, पूरा इंटरवल के साथ उसका रिकॉर्ड रखेगी। और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल कौन सा था और सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल कौन सा था। तो जो शॉर्टेस्ट साइकिल होगा उसमें से हम 20 डेज माइनस करेंगे, और जो उसका लॉन्गेस्ट साइकिल होगा उसमें से हम 10 डेज माइनस करेंगे। तो जो डेज बीच में आ रहे हैं वो डेज जो है जो उसका फर्टाइल पीरियड है, उस दौरान पेशेंट को हमने एडवाइस करना है कि उसने एब्सटिनेंस में रहना है, उस टाइम पे जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, वो उसका फर्टाइल पीरियड है। एक तो ये रहता है नेचुरली। सेकेंड रहता है टेम्परेचर रिदम। टेम्परेचर रिदम में हम क्या पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो डेली जो है मंथली अपना टेम्परेचर जो है वो डेली बेसिस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड करें और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखे। फिर उसमें हम देखेंगे कि जो भी डेज रह रहे हैं जिस दौरान टेम्परेचर उसका रेज्ड है, बेसल बॉडी जो टेम्परेचर है वो रेज्ड रहेगा, तो वो 3 दिन और उसके साथ के जो है पीछे के 3 दिन वो उस टाइम जो है एब्सटिनेंस को मेंटेन करेंगी। इसके अलावा जो थर्ड रहता है वो रहता है म्यूकस रिदम। उसमें भी हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो नोटिस करेगी होल मंथ, पूरा महीना वो अपना नोटिस करेगी कि कब उसको कौन से डेज में लगता है कि म्यूकस सिक्रीशन जो है वो परबेजाइनली ज़्यादा हो रही है। तो वो जो डेज रहेंगे जिनमें म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, उस दौरान हम उसको एडवाइस करेंगे कि उस टाइम पे एब्सटिनेंस रखना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि तब जो है वो ओवुलेशन होगा और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, वो थर्मोजेनिक है, तो इसलिए टेम्परेचर उस टाइम रेज होगा और उस वजह से जो है वो म्यूकस की सिक्रीशंस भी बढ़ेंगी, तो उस दौरान हम उसको एडवाइस करेंगे कि एब्सटिनेंस में रहे। ये तो हो गए नेचुरल मेथड्स। इसके अलावा आती है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, जैसे कि ओपन डिवाइसेस होती हैं, कुछ क्लोज डिवाइसेस होती हैं। क्लोज डिवाइसेस जो हैं अब वो बैन हो गया, उतना यूज़ में नहीं है, लेकिन ओपन डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा यूज़ में। तो उसमें कॉपर टी है, जैसे कॉपर टी 200B है, 4 ईयर्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिंग ऑफ बर्थ के लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो है वो कॉपर टी 380A है, उसको प्रोलॉन्ग पीरियड अगर आप 10 ईयर्स के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो 10 ईयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो है मल्टी लोड आ गई है, ठीक है, तो मल्टी लोड यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लोड 375 है, इसमें 5 ईयर्स के लिए आती है। और इसके अलावा जो है वो डिवाइसेस आती हैं LNG IUS, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल की इंट्राउट्राइन डिवाइसेस होती हैं, ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, क्योंकि जो कॉपर टी है ना इनमें कॉपर रहता है और कॉपर भी जो है वो इंटरफेयर करता है इम्प्लांटेशन के साथ, तो प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को।
लेकिन जो एलएनजी डिवाइसेस हैं ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, तो इनमें हार्मोन प्रिपरेशंस रहती हैं जो कि हमारी जो गर्भाशय की झिल्ली होती है उस परत को बनने में रोकती हैं। जब वो परत नहीं बन पाई तो अगर स्पर्म और ओवम का मिलन हो भी जाता है तब भी जो है वो प्रेगनेंसी वहाँ पे नाइडेशन जो है उसका नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये डिवाइसेस भी अब ज़्यादा यूज़ में हैं। इसके अलावा जो है आती हैं स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शंस, तो उसमें जो है वो पिल्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें कुछ कंबाइंड पिल्स भी होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रहता है, और कुछ जो होती हैं वो ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल या फिर ओनली एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल। जो ओसीपीज़ हैं, जो ओरल जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये जो वर्क करती हैं ये तो इस तरह से करती हैं, या तो ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं या तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली है हमारी गर्भाशय की सतह है उसको बनने से रोकती हैं, या फिर जो म्यूकस है सर्वाइकल म्यूकस है उसको बहुत ज़्यादा स्कैंटी कर देती हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट ऊपर गर्भाशय में नहीं कर पाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा जो आती हैं वो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में आता है वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, जो है वो फीमेल के लिए, वैसेक्टमी जो है वो मेल्स के लिए आती है। और इसके अलावा नाउअडेज अब इंजेक्टेबल भी आ गए हैं, तो इंजेक्टेबल में अब जो आती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए उसमें जो DMP है, डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट के इंजेक्शंस हैं, या फिर नॉरिथिस्ट्रॉन एंथनेट के इंजेक्शंस आते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। जैसे कि इंजेक्शन, जैसे DMPA का इंजेक्शन है तो 150 mg का होगा तो एवरी 3 मंथ्स उसको लगाना पड़ेगा, अगर 300 का होगा तो एवरी 6 मंथ उसको रिपीट करना पड़ेगा इंजेक्शन, तो इसमें ये है। और दूसरा इसका ये ड्रॉबैक है कि जब इसको यूज़ करते हैं तो अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म स्पेसिंग के लिए आपने यूज़ किया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि उसको दोबारा प्रेगनेंसी हो जाए तो थोड़ा डिले हो जाती है, इसमें अबाउट 6 to 8 मंथ्स जो है वो लग जाते हैं दोबारा कंसीव करने में, इसका ये ड्रॉबैक रहता है। और इसके अलावा अब नॉट प्लांट्स आ गए हैं। नॉट प्लांट्स हैं जस्ट कैप्सूल लाइक होते हैं, कैप्सूल है, उनमें भी फिल किया गया हार्मोन्स, हार्मोन कंटेनिंग कैप्सूल्स हैं, उनको जो हमारी लेफ्ट आर्म जो नॉन डोमिनेंट आर्म रहती है उसके अपर एस्पेक्ट में एल्बो से अबाउट 6 to 7 cm अबव जो है इस पे, इस एस्पेक्ट पे, इनर एस्पेक्ट जो है आर्म का, इस पे जो है वो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, लेटेस्ट जो है वो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, और ये भी लॉन्ग टर्म जैसे 10 ईयर्स तक का भी नॉट प्लांट आता है। तो ये जो है वो एज अ, अगर कोई परमानेंट स्टरलाइजेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये भी मेथड जो है वो बेटर है। मेरा अगला प्रश्न है कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाके हर एक महिला को जागरूक रखने के लिए इसके लाभ बताइए, और वो भी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करके आम भाषा में समझाइए। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि पहले के समय में हम देखते थे कि मदर का जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा था, मदर की जो आफ्टर डिलीवरी की बात करें हम, चाहे वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो करके अनसेफ अबॉर्शंस करवा रही है इस वजह से चाहे हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ रेट का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा हम उसके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जल्दी जल्दी बार बार प्रेगनेंसी हो जाती है, इसलिए हेल्थ स्टेटस बिल्कुल रिस्टोर हो नहीं पाता है और इस वजह से मदर की डेथ और इलनेस बहुत ज़्यादा रहती है, नहीं दे पाते रिस्टोर हो जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि कम से कम 3 साल उस स्टेटस को दोबारा रिस्टोर होने में लगते हैं, लेकिन जब बार बार जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उस कंडीशन में फिर मदर की डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात बच्चे के लिए अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर बार बार प्रेगनेंसी होगी तो जो बच्चा पहले से पैदा हो रखा है उसकी केयर अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो फीडिंग उसको नहीं करवा पाएगी, तो इस वजह से उसकी भी हेल्थ जो है वो अपसेट होगी, तो इसमें बच्चा भी जो है वो सफ़र करेगा, तो मदर और जो बेबी है दोनों के लिए जो है वो हैज़र्ड्स हैं अगर हम फैमिली प्लानिंग को यूज़ नहीं करते हैं। तो एक तो मदर की हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए ताकि वो बर्थ स्पेसिंग कर सके और वो फ्री रहेगी कि वो जब चाहे तब वो पैदा कर सकती है बच्चा दूसरा, और बच्चे के लिए भी बेटर है कि उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी, उसके देखभाल प्रॉपर होगी, और थर्ड जो है जो मेन है वो हम इकोनॉमिक पर्पज से देखें तो वो भी उसके लिए फैमिली के लिए इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर होगा कि जितने कम बच्चे होंगे और स्पेसिंग होगी उतना उनकी ज़्यादा केयर कर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है वो होगा कि हम जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे, और इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक वर्डन जो है वो नहीं पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, तो हम बेटर जो है वो एजुकेशन, बेटर जो है वो हॉस्पिटल सर्विसेज सब जो है लोगों को दे पाएंगे, इसलिए फैमिली प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का ये रोल है कि उनको ये सब जो है बेनिफिट्स जो है लोगों को समझाने हैं कि ये इससे बेनिफिट होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करना है कि वो अडॉप्ट करें कोई भी फैमिली प्लानिंग जो है मेथड जो है उनको अडॉप्ट करें।
जी मैम, हम ये भी देखने को मिलता है कि डिलीवरी हो जाता है उसके बाद लैक्टेशन पीरियड में किस तरह के फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए और कितने दिन के बाद अपनाना चाहिए। लैक्टेशन जो पीरियड रहता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, तो उसके बाद डिपेंड करता है कि मदर लैक्टेटिंग है या नहीं लैक्टेटिंग, नॉन लैक्टेटिंग है, वो बच्चे को दूध पिला रही है या नहीं पिला रही है। तो सबसे पहली बात आती है, अगर मदर बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो वो 3 वीक्स के बाद ही उसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है वो कोई भी यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मदर जो है वो लैक्टेटिंग है, वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो अप टू 6 मंथ्स जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो कुछ भी और खाना पीना जो है वो बच्चे को नहीं दे रही है, सिर्फ अपना दूध पिला रही है। और दिन में कम से कम 8 से 10 बार दूध पिलाना है और 10 से 20 मिनट के पीरियड तक वो दूध पिला रही है, तो वो हमारे शरीर में ऐसा लेवल रहेगा कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। तो 6 मंथ्स तक लैक्टेटिंग मदर में कोई ज़रूरत नहीं है। और 6 मंथ्स के बाद जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ले सकती है। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको हम मिनी पिल कहते हैं। ये लैक्टेशन पिल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस पिल का लैक्टेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसमें सबसे बेटर ये है कि कोई ऑन एंड ऑफ रिजीम नहीं है, ताकि वो भूलने का कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको रेगुलरली ले सकती है और लैक्टेशन को भी ये कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बेस्ट उसके लिए है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। अच्छा मैम, बताइए कि कुछ महिलाओं को अबॉर्शंस होते हैं, अबॉर्शन होने के बाद ये फैमिली प्लानिंग का मेथड कितने दिन में अपनाना चाहिए और कौन सा मेथड लेना चाहिए? अबॉर्शन हो जाने के बाद जैसे ही पेशेंट की डीएमसी हुई है, अगर उसका कंप्लीट जो है इवैक्यूएशन हो चुका है, तो उसी दिन जो है थोड़ा सा ओस ओपन रहता है, तो हम उसी दिन जो है वो कोई भी डिवाइस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर वो ओरल पिल्स लेना चाहती है तो उसी दिन से वो पिल जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। मैम, आपके पास ऐसा कोई मेथड्स हैं जो आप दिखा सकते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को? ये एक है टेम्प्रेरी मेथड्स में जो मैंने बताया, उसमें मैकेनिकल मेथड्स में आता है, मेल के लिए है कॉन्डोम। ये पॉलीयूरेथीन पॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिनको मेल के लिए यूज़ किया जाता है। और ये गवर्नमेंट सप्लाई में भी आता है निरोध नाम से, और ये लोगों को फ्रीली जो है वो दिया जाता है, बांटा जाता है जो हमारी सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा इसके सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जो है वो है प्रिवेंशन अगेंस्ट द जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके अगेंस्ट जो इन्फेक्शन जो है उसके अगेंस्ट जो है ये प्रिवेंट करता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो है वो यही इसकी एडवांटेज है। इसके अलावा क्या है मैम? इसके अलावा ये है मालानन, ये जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं। और ये पिल्स जो है ये कंबाइंड पिल्स हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो दोनों हैं। और ये भी वैसे ही वर्क करती है कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगी या फिर जो हमारी गर्भाशय की झिल्ली है उसको बनने से रोकेगी, और इस तरह से ये प्रेगनेंसी को रोकती है। इनका लेने का जो सबसे मेन मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कब स्टार्ट करनी है पिल लेना। तो पिल स्टार्ट करनी है आपने खाना, तो उसके लिए है कि जो आपका मासिक चक्र आता है, मासिक चक्र का जो पहला दिन है, आपने पहले दिन से इसमें बना होता है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से मार्किंग होती है, 21 दिन की ये पिल होती है। तो आपने जो फर्स्ट डे है आपके मासिक चक्र का, उस दिन से आपने पिल लेना शुरू कर देना है, और फिर डेली आपने लेना है 21 दिन तक। उसके बाद जो होता है 1 वीक ऑफ रहता है, और फिर उसके बाद 8th डे पे दोबारा से आपने पिल स्टार्ट कर देना है, इरिस्पेक्टिव कि आपको जो है वो मासिक चक्र शुरू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने 1 वीक का ऑफ देकर के 8th डे से दोबारा से शुरू कर देना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रहता है, इसके डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट भूल जाती है कि वो भूल जाएगी कि उसको पिल खाना है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट भूल गई हो पिल खाना है, तो उसको ये एडवाइस कर सकते हैं कि जैसे ही उसको नेक्स्ट डे याद आता है वो उसी टाइम जो है वो उस पिल को दोबारा ले ले, 2 पिल उस दिन इकट्ठा ले सकती है, और फिर रेस्ट ऑफ द शेड्यूल जो है वो वैसे ही कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अब अगर मान लो वो 3-4 दिन के लिए भूल गई है, तो फिर उस दौरान उसको बताएंगे कि वो अपनी पिल्स लेना शुरू कर दे। लेकिन इसके साथ में जो नेक्स्ट 1 वीक है, इस दौरान वो कुछ भी टेम्परेरी मेथड जैसे मैंने बताया कॉन्डोम, वो सब यूज़ करें, वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हमने किसी पेशेंट को जो है पिल्स देनी है, तो उससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट का हमने सबसे पहले उसका वेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, कोई लीवर का डिजीज़ तो नहीं है, तो या कोई पेल्विक एग्जामिनेशन उसकी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर हिस्ट्री लेना, सेरोलॉजी ज़रूरी है, सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन या किसी तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही हम उसको पिल प्रेस्क्राइब करेंगे। और पिल प्रेस्क्राइब करने के बाद भी ये है कि
पेशेंट को एवरी थ्री मंथ्स पहले हम जो है वो यही सब एग्जामिनेशन करते रहेंगे, फिर एवरी सिक्स मंथ, फिर ईयरली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कहना है ये सब चेकअप जो है वो करवाने ज़रूरी है, ताकि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, और कॉपर टी के बारे में भी कुछ बताइए। इसके अलावा ये है कॉपर टी, ये कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेज होती हैं, इसमें कॉपर टी 375 आती है, इसके अलावा कॉपर टी 380A, कॉपर टी 200B, 200B जो है वो 4 इयर्स के लिए है, 375 जो है वो 10 इयर्स के लिए, 380A भी जो है वो 10 इयर्स के लिए है। तो ये कॉपर टी इनमें कॉपर कंटेनिंग होती हैं, तो इसका तो मेन काम यही है कि जो अगर स्पर्म ओवम का मिलन हो भी गया है तो उसने जो रोकना है वो है इम्प्लांटेशन को, कि जहाँ पे गर्भाशय में आकर के वो जो बना है वो वहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो, उससे पहले जो है उसको प्रिवेंट करेगा कॉपर। और इसके अलावा जो है ये टी शेप की डिवाइस होती है और इंसर्ट की जाती है, जैसे ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जैसे ही उसका पीरियड ख़त्म होगा तो पीरियड ख़त्म होते ही 2-3 दिन के अंदर जो है हम इसको एडवाइस इंसर्ट कर देते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इसमें एक प्लंजर रहता है, कि प्लंजर रहेगा और इंट्रोड्यूसर रहेगा, हम इसको डिवाइस को थोड़ा सा जो है वो मोल्ड करके इसके अंदर एंटर करेंगे और यूटेरिन साउंड से गर्भाशय का जो लंबाई है उसको नाप करके फिर उसको पूरा फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद प्लंजर से हल्के से पुश कर देते हैं। क्या ये इंसर्ट करने के लिए महिला को एडमिट होना ज़रूरी होता है? ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है, इसके लिए महिला को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने मिनट का प्रोसीजर है ये? 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स में ये आराम से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये हॉस्पिटल जो है रूरल एरिया में है और काफ़ी सारे आसपास में गांव भी है, हमें ये देखने को मिलता है कि ये टीनेज प्रेग्नेंट लेडीज यानी टीनेज मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई टीनेज मैरिड लेडी अगर आपके पास आते हैं तो पहला प्रेगनेंसी डिले करने के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं उन्हें? टीनेज प्रेगनेंसीज जो होती हैं उसकी बहुत ही जो है हैजर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, एनीमिया, सीवियर एनीमिया हो जाना, क्योंकि उनके जो शरीर के अंग हैं वो इतना मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए हमें उनको ये एडवाइस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है वो पोस्टपोन करनी चाहिए। तो उसके लिए हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि जो है उनके लिए जो बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो या तो वो कोई टेम्परेरी मेथड यूज़ करें, लेकिन अगर वो टेम्परेरी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट जो है वो ओजी पिल्स हैं, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उनमें आईओडी इंसर्ट नहीं कर सकते, उससे जो है वो चांसेस ऑफ फेल्बिक इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बेटर उनके लिए ओजी पिल्स ही हैं। बहुत अच्छी जानकारी हमें फैमिली प्लानिंग के लिए मिला है। एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी मैं, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, आइडियल कितना गैप होना चाहिए? आइडियली हमें एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए एटलीस्ट 3 साल का हमारे बीच में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 3 साल जो हैं जो भी हमारे शरीर में जो है वो कमियां होती हैं उनको पूरा होने में 3 साल लग जाते हैं, तो इसलिए 3 साल का मिनिमम डिफरेंस जो है वो 2 बच्चों के बीच में होना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर ज्योत्सना, एंड थैंक यू ऑल।